शरद पूर्णिमा का दिन है, उस दिन ऐसा मानते हैं कि अमृत वर्षा हुई है, लेकिन ये अमृत वर्षा भगवान श्री राम ने बंदर बालुओं को जिंदा कराने के लिए, जो युद्ध में मारे गए थे उनको जिंदा कराने के लिए इंद्रदेव से करवाई थी। रामायण में भी लिखा है, सुधा दृष्ट वही दोगल ऊपर, दोनों दलों के ऊपर, राम दल के ऊपर भी और रावण दल के ऊपर भी अमृत वर्षा हुई। जिए बालू कप नहीं रजनीचर, बंदर बालू तो उसमें जी गए लेकिन राक्षस लोग नहीं जिए, और बंदर बालू जो मारे गए थे वो एक जैसे अल्टरनेट रूप होता है, वो देवताओं का वो दूसरा रूप था, एक्चुअल कोई नहीं मारे गए थे, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए और रावण की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए मारे गए। तो जब वो अमृत की वर्षा हुई तो बंदर बालुओं के ऊपर तो अमृत गिरा, उनके मुंह में गया, और रावण दल के जितने भी राक्षस थे उनके ऊपर नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया उनके ऊपर कि बंदर बालू तो सीधे गिरे थे तो उनके मुंह में चला गया, और राक्षस सब उल्टे गिरे थे इस वजह से उनके मुंह में अमृत नहीं गया। बंदर लोगों के ऊपर राक्षसों ने सामने पीछे से प्रहार किया तो बंदर सीधे गिरे, और बंदर बालुओं ने सामने से प्रहार किया तो राक्षस उल्टे गिरे थे। राक्षस लोग पीछे से प्रहार जान के कर रहे थे और बंदर बालू सब आगे से प्रहार कर रहे थे, तो भगवान ने इंद्रदेव से अमृत बरसवाया। लेकिन आजकल मानते ही हैं कि चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, चंद्रमा में अमृत का अंश है, इसलिए ये माना जाता है कि चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, तो लोग रात को ये मानते हैं कि अमृत की वर्षा हुई। वैसे दोनों विचारधारा अपनी अपनी जगह है, कोई किसी के खिलाफ तो कह नहीं सकता कुछ, वो तो सब पुरानी विचारधारणाएं हैं, और जैसी भी हैं भगवान की कृपा से सब अच्छे ही हैं। जय श्री राम।